गाइस, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और आज का हमारा ब्लॉग है संडे स्पेशल ब्लॉग। और नवरात्रि चल रही है और आज है पांचवी नवरात्रि। तन्वी हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। तो उस टाइम मैं बना रही हूँ चाय। तो यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। और यहाँ पे मैंने नहा के सुबह पूजा भी कर ली है। तो आज का प्लान कुछ इस तरीके से कि नवरात्रि चल रही है तो हमने सोचा मंदिर हो आते, तो यहाँ पे एक दुर्गा माता जी का मंदिर है, वहाँ जाएंगे। तन्वी क्या हुआ? तो अभी हम चाय पीते हैं, फिर हम रेडी होंगे, फिर आपसे मिलेंगे दोबारा से। हाँ, सिद्धवली मंदिर जाना है? हाँ, स्कूल नहीं जाना है? हाँ, तन्वी के स्कूल खुलने वाले हैं इसलिए तन्वी के लिए स्कूल नहीं जाना है। पापा फिर तो कुछ नहीं बोलेंगे। हेलो, है ना फ्रेंड्स? हाँ। क्यों पापा अब क्यों नहीं बोलोगे? प्लीज प्लीज बोल दो ना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना। इतना ही बोलना चाहते थे। हाँ। तो यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं और आज मैंने पहनी है साड़ी। तन्वी इधर आओ, तन्वी को भी रेडी हो चुकी है। तन्वी दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ऐसे गिर गई, देखो इधर दिखाओ। पापा पिक कहाँ ले जा रही हो? इसमें क्या है? मैं भी चलूंगा साथ में, बोला है। और यहाँ मम्मी भी तैयार हो गई और मम्मी ने सेम मेरी जैसी साड़ी पहनी है, मतलब कलर अलग है और प्रिंट एक ही है। तो चलिए चलते हैं। छोटे बच्चे ड्राइविंग नहीं कर पाते ना तन्वी। हाँ। जब बड़े हो जाओगे तो सीख जाओगे ना। हाँ। कितने बड़े हो गए? आप से भी बड़े। ड्राइविंग करना सीखूंगा। पहुंच चुके हैं सिद्धवली। वैसे तो हम दुर्गा देवी जा रहे हैं बट ये बीच में पड़ता है इसलिए हमने सोचा सिद्धवली के भी दर्शन कर लेते हैं और फिर हम जाएंगे दुर्गा देवी को। चलो एक और मेरा हाथ छोड़ना, नहीं चलना। आज संडे है और नवरात्रि चल रहे हैं इसलिए आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। मम्मी यहाँ पे धूप चला रही है। मेन मंदिर में सिर्फ प्रसाद और जो दान देना होता है वो चढ़ता है, बाकी धूप वगैरह यहीं पे जलाई जाती है बाहर। तो अभी हम सिद्धवली से आ गए, रास्ते में पड़ता है इसलिए हमने सोचा दर्शन कर लेते हैं और अब हम जा रहे हैं दुर्गा देवी की तरफ। को दुर्गा देवी बोलते बेटा, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी मंदिर, हाँ ठीक है। हाँ। चलो आप बैठ जाओ, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, देखो स्टोन गिरता है ऊपर से, बैठ जाओ आराम से बैठो। नहीं हाथी तो नहीं है पर व्यू बहुत सुंदर दिख रहा है, देखो तो प्यारा लग रहा है। हाथी नहीं है आज। पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अब गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग का बड़ा इशू है, तो देखते हैं कहीं पे जगह खाली होगी तो वहाँ पे लगाएंगे।
पहाड़ी पे है ये मंदिर और इसके नीचे बहती है यहाँ पे नदी। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे नीचे के लिए जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से सीढ़ियों से जाना है और नीचे यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिल जाता है। तो यहाँ पे हम अभी प्रसाद ले लेते हैं। यहाँ से नीचे को जाएंगे और यहाँ पे गुफा है, उसके अंदर है मंदिर। तो यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाना अलाउ नहीं है, फ़ोटो वगैरह खींचना अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं आपको गुफा वगैरह अंदर तक थोड़ा बहुत जितना भी दिखा पाती दिखाती, बट नहीं है यहाँ पे अलाउ। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा नदी है, नदी के बिल्कुल किनारे पे ये मंदिर है। अब हम यहाँ पे प्रसाद और जल चढ़ा लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है गुफा। तो यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं, नहीं तो आपको दिखाते, ये दिखा लीजिए यहाँ पे नारियल फोड़ते हुए। चलो बेटा प्रसाद हमने चढ़ा लिया है और थोड़ा सा नीचे को जाते हैं, यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे बहुत सारे गिरगिट होते हैं, देखिए देख रहे होंगे। और यहाँ पे ये देखिए कितने सारे गिरगिट हैं, बहुत सारे गिरगिट होते हैं। अभी तो यहाँ पे कम दिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े साइज के गिरगिट होते हैं। वाह यहाँ का पानी देखिए कितना साफ है, एकदम साफ। शहरों की नदियाँ तो बहुत ही गंदी रहती है, वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता है, पर यहाँ पहाड़ों का पानी तो एकदम साफ रहता है। देखिए कितना साफ पानी है, बिल्कुल नीला। वो है ऊपर मंदिर, देख वो तो कैसे बैठा है अंदर। चल 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 ऊपर चल, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, डर गई। ऊपर को जा रहे हैं हम यहाँ से सीढ़ियों से और यहाँ पे भी माता का मंदिर है, वहाँ पे माता की मूर्ति है तो वहाँ पे भी पूजा करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दुर्गा माता की मूर्ति, बहुत ही सुंदर। तो अब हम लोगों ने दर्शन कर लिया है और मंदिर से हम बाहर निकल चुके हैं और ये तन्वी और उसके पापा। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, देख सकते हैं आप इतना सुंदर व्यू है। तो आप कभी भी इधर को आए तो कोटद्वार से 8-10 किलोमीटर ये ऊपर दुगट्टा की रोड पे है, मतलब पौड़ी वाली जो रोड है उधर साइड पर है, तो आप ज़रूर आए यहाँ पे। यहाँ पे तो इन्होंने गाड़ी फंसा दी, अब कैसे निकालेंगे गाड़ी, यहाँ पे तो ये गाड़ी फंसा दी, अब निकालने की जगह ही नहीं है। कहाँ को डाल दिया इन्होंने, अभी ऐसे कैसे निकलेगी। तभी इधर को आओ, गंदा हो जाएगा कपड़ा, ये काट दीजिए। इन्होंने यहाँ पे क्यों लगा दी होगी बीच में ही, अब वहाँ पे रास्ता ही नहीं है, देखो आगे तक तो पूरी गाड़ी गाड़ी हो गई है। तो अभी तक जब तक गाड़ी नहीं निकलेगी तब तक हम ऐसे ही अंदर बैठे हैं और अभी खा रहे हैं हम प्रसाद। हम निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं अब घर की तरफ। खाओगी? क्या हो गया तन्नू, पेट में भूख को लग गई है? क्या हो गया, फिर क्या करना है, किसी बाजार में कुछ खाना है, क्या खाना है बताओ। देखो ये सिद्धबलि मंदिर, वहाँ तो बहुत भीड़ होगी आज। तन्नु को बर्गर दिखा खिला दिया है, तन्नु सही हो रहा है, पेट में भूख तो नहीं लगी अब, खा लो बर्गर खा लो। सो फ्रेंड्स घर आ चुके हैं और हमने चेंज कर लिया है, तन्नु हमारी बहुत परेशान हो गई है। तन्नु क्या हुआ बताओ, क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ मम्मा, हाँ बताओ क्या हुआ, क्या हुआ। तन्नु के हो गया है पेट में दर्द, गाड़ी से घूम गया पेट ना, पहाड़ में घूम गया पेट। ओहो कोई बात नहीं, आपने बर्गर नहीं खाया अपना, खा लो फिर आप अपना बर्गर खा लो, टीवी देखोगे पहले बर्गर खा लो, टीवी चलाते रुक जाओ। फ्रेंड्स अभी मेरी बन गई है चाय, और चाय और चाय के साथ ही पेठा, सर में दर्द हो गया बहुत ज़्यादा, पी लेते हैं चाय, फिर कुछ इन लोगों के लिए खाने के लिए बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और थोड़ा सा फेस पैक लगा लेती हूँ क्योंकि धूप से फेस हो गया है थोड़ा सा टैन, आवाज़ मेरी ऐसी आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा जो आवाज़ है वो थोड़ी बैठ गई है क्योंकि मेरा जुकाम लगा है बहुत दिनों से।
तो चलिए अब मैं फेसबुक लगा लेती हूँ, आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी कर दें कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।